बहती हवा सा था। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से कोई भी फिल्म में आपको आमिर खान नजर नहीं आए हैं और अब ऐसे में ये खबरें सामने आ रही हैं कि दरअसल आमिर खान प्रिपरेशन कर रहे हैं 3 Idiots 2 की। जी हाँ, आपको बता दें कि शर्मन जोशी, आमिर खान और माधवन एक बार फिर से 3 Idiots के सीक्वल पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान 3 Idiots में राजू की भूमिका निभाने वाले शर्मन जोशी ने इस बात को शेयर किया कि निर्देशक राजकुमार हिरानी पहले ही फिल्म की कहानी के बारे में कई सारी बातें इन तीनों से कर चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार फिर से फिल्म की कहानी काफी ज्यादा दमदार होने वाली है, इसलिए इस फिल्म की कहानी पर और ज्यादा काम किया जा रहा है, पूरा वक्त लिया जा रहा है कि फिल्म की कहानी, फिल्म का डायरेक्शन एकदम दमदार हो। साथ ही शर्मन जोशी ने यह भी कहा कि आमिर खान और माधवन ने भी अपने अपने यहाँ पर व्यूज दिए हैं और इस हिसाब से कहानी में बदलाव भी किए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 3 Idiots 2 की अनाउंसमेंट इस साल के एंड तक कर दी जाएगी और ये फिल्म बड़े पर्दे पर आपको अगले कुछ सालों में देखने को भी मिल जाएगी। बता दें कि दिसंबर 2009 में 3 Idiots रिलीज हुई थी और ये अब तक की पसंदीदा फिल्में मानी जाती हैं। इस फिल्म को राजकुमार हिरानी ने निर्देशित किया था और इस फिल्म में करीना कपूर खान, बोमन ईरानी और मोना सिंह प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। एक बार फिर से सेम स्टार कास्ट के साथ और कुछ नए किरदारों के साथ 3 Idiots 2 आपको बड़े पर्दे पर अगले साल तक देखने को मिल जाएगी और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी करते हुए नजर आएंगे। आप कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है।